और इसी बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल कोरोना वायरस के बीच राजधानी में बढ़ रहे हैं पीलिया के मरीज। पीलिया के मरीजों की संख्या राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है और अब तक कुल 719 लोगों में पीलिया की पुष्टि हुई है। राजधानी में बढ़ते पीलिया मरीजों से चिंतित हो गया है स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग ने लोगों से अपील की है कि लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की हिदायत उन्होंने दी और पीलिया से बचाव के लिए पानी छानकर उबालकर और क्लोरीन गोली से शुद्ध कर पीने की अपील की है। तो लगातार हमारे साथ सुप्रिया जुड़ी हुई है। सुप्रिया, यहाँ पर पहले खुशखबरी ये थी कि छत्तीसगढ़ कोरोना से बचा हुआ था, लेकिन अब कोरोना के भी मरीज बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ दोहरी मार यहाँ पीलिया के मरीजों से हो रही है, तो कैसे इन दोनों ही मरीजों को स्वस्थ करने में जुटा है स्वास्थ्य विभाग? जी सुप्रिया, निजी अस्पतालों में 78 पीलिया के मरीज हैं, उनका इलाज चल रहा है। साथ ही जो 102 संभावितों की ब्लड सैंपल की जांच के लिए भी भेजा गया। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि पीलिया के जो बढ़ते हुए मरीज हैं, उसने भी छत्तीसगढ़ परिवार कल्याण विभाग की चिंता जो है वो बढ़ा दी है। और साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो लोगों से अपील करने लगा है कि लोग पानी के शुद्धिकरण के लिए पानी को 20 मिनट तक उबाल कर ठंडा करके पिए। साथ ही उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप में आंखों में पीलापन या फिर इस तरह की कोई भी पीलिया में जैसे कि लक्षण दिखते हैं, आंखों में पीलापन होता है, उनका बुखार आता है उन्हें, और इस तरीके से जो लक्षण दिखते हैं उन्हें, अगर ऐसे कोई भी लक्षण उन्हें उनमें नजर आते हैं तो तुरंत वो है जो जांच करा ले। इससे क्या है, जो मरीज है उनमें पीलिया में कुछ हद तक जो नियंत्रण है वो पाया जा सकता है। और साथ ही इस बार पीलिया के जो मरीज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के तमाम कोशिशों के बाद भी मरीजों की जो संख्या का आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुप्रिया। बयान ये खबर जहाँ